हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये मैंने क्लास 10th से लिया है, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्टेटमेंट है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। ओके, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, कंसेक्यूटिव क्या होता है ये समझो। कंसेक्यूटिव बोलते हैं रेगुलर, लगातार। ओके, पॉजिटिव तो इजी समझते ही हो। और इंटीजर्स, इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। ओके, सपोज करो अगर 3 होता तो ये एक्स प्लस 2 हो जाता। ओके, क्योंकि 2 है इसलिए मैं 2 ही ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। ओके, सम ऑफ हूज स्क्वायर, तो इन दोनों का सम कर दो। सम कर दिया, हूज स्क्वायर दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर और इसका भी विथ फैमिली स्क्वायर। ओके, इसे सेपरेट सिंगल मत कर देना, इज इक्वल टू 365। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी यूज करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गए इज इक्वल टू 365। आइडेंटिटी, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गए के एड होकर 2x स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स वन सा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस 365 इज इक्वल टू 0। इससे RHS से LHS आया, पॉजिटिव था नेगेटिव आना, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये लार्ज है इसलिए साइन माइनस होगा। 365 माइनस 1 तो 3। इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो कॉमन जरूर ले लो, तो 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 182 टाइम इज इक्वल टू 0। कैसे, 2 से डिवाइड करोगे 364, तो 364 अपॉन 2 दैट इज 2 वन जा 1 कैरी होगा 16, 2 8 जा और 4 2 2 जा ओके 182। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू ये 2 0 के मल्टीप्लीकेशन में है, ये शो नहीं किया जाता है। ओके, तो ये शो कर सकते, आप चाहो तो कर सकते हो, डिविजन को आएगा तो ये 0 बन जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं इसे इजी समझो। कि देखिए गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये जनरल फॉर्म होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ नेगेटिव है क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 छुपा हुआ है दैट इज 1 हाइड है, तो ये ए होगा और एक्स से पहले कुछ भी नहीं है तो ये 1 है तो दैट इज ये बी हो गए और लास्ट टर्म सी होता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने होते हैं तो ए इज अ 1 और सी इज अ 182, तो क्योंकि माइनस में है तो माइनस 182, तो ये माइनस 182 आ रहा है। ओके, तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 9 10 2 1 का 7 से करोगे 39, 30 से करोगे 110। ओके, तो देखिए 7 2 जा 14, ओके 14 भी मार है थोड़ा सा सही करो 14 13। ओके,
तो ये 14 और 13, आपको ये अब 2, 7, 13, ये तीन जो नंबर है इससे ऐसी सेटिंग करनी है कि इन दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आपका जो मिडिल टर्म है ये एक से ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। तो 14, 13 को मल्टीप्लाई करने पे 182 होगा और इसे सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म x आ रहा है। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि प्लस x लाने हैं इसलिए मैंने 14 को पहले लिया, 14x, और 13 को बाद में। 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 14 माइनस, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 13 है तो 13 कॉमन फैक्टर लोगे तो x माइनस इनटू माइनस प्लस 14 0। ये और ये टर्म आपको हमेशा सेम आने चाहिए, नहीं अगर सेम है तो समझो ऊपर कुछ गड़बड़ हुआ है। तो x प्लस 14 कॉमन लोगे देन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यूज करो तो इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे एनपी लिखो, नॉट पॉसिबल। एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 13 आ गया। फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 13 हो गए, और सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 हो गए आंसर। यहाँ पे ये पॉजिटिव मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये पॉजिटिव फिजिक्स वाला यहाँ पर यूज मत कर देना, मैं आपको पॉजिटिव कंप्लीट लिखने होते हैं, कंसेक्यूटिव भी कंप्लीट लिखिए।